नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे साइमंस के बारे में। आज के दिन जो है ना, इनको एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर मिला हुआ है, जिस वजह से ना स्टॉक में एक अच्छा खासा सेकेंड हाफ में इसने हैमर कैंडल बनाया और 1% अपसाइड जाकर मार्केट क्लोज किया है। तो ये पूरा ऑर्डर क्या है, तो ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये ऑर्डर जो है ना सरकारी कंपनी RVNL की तरफ से दिया गया है, रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से मिला है। और ये ऑर्डर का प्राइस जो है ना 766 करोड़ का है। इनको करना है क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना है। और ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो है बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जगह पे दिया गया। तो एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर इन्होंने आज के दिन सिक्योर किया है। और यहाँ पे अभी क्या किया जा सकता था, टेक्निकल के हिसाब से देखिए, ऑलरेडी जो है ना कि यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल जो है 7600 का, जिसको आज के दिन ने इसने टच किया था। मगर सेकेंड हाफ में ऑर्डर मिल गया और अनाउंसमेंट होने के बाद में तुरंत ही खरीदारी होना चालू हो गया। तो अच्छा खासा लेवल है आपके पास 8000 रुपये तक का, एक अच्छा खासा पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर दूसरा टारगेट रहेगा 8200 रुपये तक का, इसमें अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ना काफ़ी टाइम से साइडवेज मोमेंटम में है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत यह है कि इस वक्त ना निफ्टी बैंक निफ्टी में करेक्शन चल रहा है। अगर उसका दबाव हुआ था ना, तो थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे 7600 रुपये तक का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी निफ्टी में करेक्शन चल रहा है तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 2 से 3 दिन रहेगा। आज का पहला दिन रहा जिसकी वजह से काफ़ी स्टॉक में दबाव रहा है। तो 2 दिन 3 दिन अगर ये लेवल होल्ड करता है तो यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट फिर दोबारा देखने को मिल सकता है। तो सारे कंडीशंस मैंने आपको बताए हैं। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय सेल की रिकमेंडेशन ये। जय हिंद।